So our today's topic is reincarnation, a fact or fiction. जो पुनर्जन्म है वो सत्य है या वो झूठ है. तो हम भगवद गीता का एक श्लोक से स्टार्ट करेंगे 2.13 से, फिर कुछ फैक्ट्स हम समझने की कोशिश करेंगे, कुछ स्टेटमेंट्स, कुछ फिगर्स जिनके थ्रू हम ये समझ पाएंगे कि रीइंकार्नेशन कहां तक सच्चा और कहां तक झूठ है. तो भगवद गीता का सेकंड चैप्टर का 13th श्लोक कहता है, मेरे पीछे दोहराएंगे, देहिनोस्मिन् यथादेहे कौमारम्योवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर् धीरस्तत्र न मोयते. देहिनोस्मिन् यथादेहे कौमारम्योवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर् धीरस्तत्र न मोयते. देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर् धीरस्तत्र न मोयते. So, भगवत गीता भगवान जहां भगवान बोलना शुरू करते हैं भगवत गीता में, फर्स्ट चैप्टर तो पूरा भगवत गीता का अर्जुन की कंफ्यूजन्स में ही निकल जाता है. अर्जुन ही बोलते रहते हैं, अर्जुन बोलते रहते हैं, दुर्योधन बोलते रहते हैं, धृतराष्ट्र बोलते रहते हैं. फर्स्ट चैप्टर में भगवान कुछ बोलते नहीं क्योंकि किसी ने भगवान से कुछ पूछा ही. तो आप कब बोलेंगे? जब आपसे कोई कुछ पूछेगा तब बोलेंगे, भगवान से कुछ पूछा ही. सेकेंड चैप्टर में आके 7वें 8वें 9वें 10वें श्लोक में आके आप लोग थोड़ा आगे आगे आ सकते हैं, और भी डिवोटीज आएंगे फिर पीछे स्पेस का प्रॉब्लम है, आगे हो सकते हैं थोड़ा. तो सेकंड चैप्टर में 7th, 8th, 9th, 10th इन श्लोकों में आकर अर्जुन भगवान को क्या करते हैं? गुरु एक्सेप्ट कर लेते हैं. गुरु एक्सेप्ट कर लेते हैं, बोलते हैं कि अब मैं तो बिल्कुल कंफ्यूज हूं, आप बताइए कि व्हाट इज ट्रूथ, मुझे कैसे आगे चलना चाहिए, मुझे युद्ध करना चाहिए, युद्ध नहीं करना चाहिए, भगवान से सारा पूछते हैं. और भगवान स्टार्टिंग करते हैं 11वें श्लोक से बोलना, 10वें 11वें श्लोक से. फिर 7वें श्लोक में भी भगवान कुछ बोलते हैं, 7वें में है शोचय अन्वशोचस्तो 2.7 है ना, अशोचय अन्वशोचस्तो 2.7 है ना, 7th में अर्जुन सरेंडर करते हैं, अशोचय अन्वशोचस्तो 11. तो 11th श्लोक में भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि तुम उस चीज के लिए दुख कर रहे हो जो दुख करने के योग्य नहीं है। भगवान यहीं से बोलना शुरू करते हैं अर्जुन को. 11वां 12वें श्लोक में क्या बोलते हैं, एक बार कोई डिसाइड करेगा भगवान? 12th में सेकंड चैप्टर 12th श्लोक का एग्जैक्टली क्या बोलते हैं? नेवर देयर वाज अ टाइम वेयर व्हेन आई डिड नॉट एग्जिस्ट और यू डिड नॉट एग्जिस्ट और नेवर देयर सच अ टाइम विल कम व्हेन एनी ऑफ अस सीज टू एग्जिस्ट. ये बोलते हैं भगवान कौन से श्लोक में? 12वें श्लोक में. भगवान अब बोलना ही शुरू करते हैं बस 11वें श्लोक से, बोलते हैं शोचान्वशोचस्तं प्रज्ञामदंश्च भाषसे गतासून गतासूनश्च नानुशोचन्ति पंडिता. तुम उस चीज के लिए फियर कर रहे हो जो फियर करने के योग्य नहीं, उस चीज के लिए दुख कर रहे हो जो दुख करने के योग्य नहीं है. भगवान उसको 11वें श्लोक में अर्जुन को सबसे पहले ये बोलते हैं, क्योंकि अर्जुन किसके लिए दुख कर रहे थे? अर्जुन दुख कर रहे थे अपने फोर फादर्स के लिए जो कि अधर्म का सपोर्ट कर रहे थे, दुर्योधन का सपोर्ट कर रहे थे. तो भगवान ने कहा उसका दुख करने का कोई फायदा ही नहीं है, अशोचय अन्वशोचस्तं. और अगले श्लोक में भगवान बोलते हैं ऐसा कोई समय नहीं था, अगर तुम्हें लगता है कि ये सब मर जाएंगे तो ऐसा कोई समय नहीं था जब तुम नहीं थे या मैं नहीं था या ये सब लोग नहीं थे, और कोई ऐसा समय आएगा भी नहीं जब मैं नहीं होऊंगा, तुम नहीं होंगे या ये सब लोग नहीं होंगे. भगवान 12वें श्लोक में ऐसा कहते हैं. फिर 13वें श्लोक पे जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मोयते. भगवान इस श्लोक में क्या कहते हैं कि जैसे एक आत्मा इज द एम्बॉडीड सोल कंटीन्यूअसली पासेस इन दिस बॉडी. देहिनोस्मिन् यथा देहे, इधर आ जाओ दिव्यांश, इधर आ गया जाओ. जैसे एक एम्बॉडीड सोल है वो कंटिन्यूअसली पास करती है, कैसे इस बॉडी में रहते रहते बॉयहुड से किसमें, अभी किसमें हो सब आप लोग? यूथ, अभी यूथ चल रहा है, ये बच्चे बॉयहुड में, आप लोग किसमें? यूथ में.
तो बॉयहुड से यूथ, अब यूथ से क्या आएगा ओल्ड एज, अभी धीरे धीरे हम ओल्ड एज के दरवाजे पे कदम रखेंगे। तो एज द बॉडी सोल कंटिन्यूअसली पासेस इन दिस बॉडी फ्रॉम बॉयहुड टू यूथ टू ओल्ड एज, और जैसे ही ओल्ड एज आता है द सोल सिमिलरली पासेस इनटू अनदर बॉडी। भगवान तो रीइंकार्नेशन ऐसे ही बोल देते हैं बहुत इजीली, हमारे लिए कितना बड़ा साइंस है कि रीइंकार्नेशन होता है या नहीं होता है, हम यही सोचते रह जाते हैं, पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है। भगवान तो बहुत इजीली स्टार्ट करते ही बोलते हैं, कहते हैं अभी बच्चे हो, फिर जवान हो गए, फिर बुढ़े हो गए, फिर मरोगे, फिर अगली बॉडी मिल जाएगी, ये चलता रहेगा, ये चलता रहेगा, यू कीप ऑन ट्रांसमाइग्रेटिंग फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। भगवान इसको सेकंड चैप्टर में स्टार्टिंग में ही बोल देते हैं, जहां भगवान बोलना शुरू करते हैं वहीं रीइंकार्नेशन को बोल देते हैं, इमीडिएटली बोल देते हैं। तो एक बेस तो हमारा भगवत गीता बनता है रीइंकार्नेशन के ऊपर। दूसरा बेस बनता है कि तीन बातें याद रखना हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो भागता है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, और जो एक बेवकूफ होता है वो भागता है अथातो इंद्रिय तृप्ति जिज्ञासा। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, इंटेलिजेंट व्यक्ति क्या सोचता है, वो ये जानना चाहता है तीन बातें, Why am I suffering helplessly? Why I have to die unwillingly? And why I have to lose everything miserably? करना पड़ेगा, आप सबको करना पड़ेगा, मुझे भी करना पड़ेगा, कोई बच नहीं सकता, कोई बच नहीं सकता। बोलो क्या तीन चीजें? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा मतलब जो व्यक्ति इंटेलिजेंट है वो ब्रह्म की जिज्ञासा करता है, जिज्ञासा मतलब इंक्विजिटिव, सोचता है, और जो मूर्ख होता है वो क्या करता है? अथातो इंद्रिय तृप्ति जिज्ञासा, कि मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे हिट आ जाए, मैं ऐसा क्या करूं कि मैं एंजॉय करूं, मैं ऐसा क्या करूं कि थोड़ा थोड़ा सा एंजॉयमेंट के पीछे अपना पूरा जीवन व्यर्थ कर देता। धातो ब्रह्म जिज्ञासा, अब इंटेलिजेंट पर्सन इज इंक्विजिटिव अबाउट व्हाई आई एम सफरिंग helplessly। सबके जीवन में सफरिंग है, डिवोटीज बोलते हैं प्रभु जी प्रॉब्लम, पता नहीं ऐसे लगता है सारे काम हमारे अटकते जा रहे हैं, अटक अटक के हमारे काम हो रहे हैं, तो ये हेल्पलेस सफर है, कुछ नहीं कर सकते आप इसको। थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी आपको शायद रिलीफ इनका तुक्का थोड़ा सा दे भी दे, बट अल्टीमेट रिलीफ तो नहीं दे सकता, सफर तो करना ही पड़ेगा। तो एक इंटेलिजेंट व्यक्ति जो है वो क्या कहता है, वो क्या करता है, सफर करता है हेल्पलेसली, He dies unwillingly, मरना नहीं चाहता पर मरना तो पड़ता है, suffers helplessly, dies unwillingly, तीन बातें याद रखना, suffers helplessly, die unwillingly and lose miserably, सब हाथ से निकल जाता है एक ना एक दिन। तो एक जो इंटेलिजेंट व्यक्ति है तो वो इस चीज पे जिज्ञासा करता है, वो इनक्विजिटिव होता है कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैं ऐसा क्यों हूं, गाना है ना मैं ऐसा क्यों, भगवत गीता बताती है मैं ऐसा क्यों। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे लें, जो लोग अपने आप को ये बॉडी समझते हैं, ये ना जतिन प्रभु पानी दो ना थोड़ा, ओके एग्जांपल के तौर पे जैसे ट्रांसप्लांट सर्जरी की बात अगर हम करें, अगर आप अपने आप को इस बॉडी, अपने आप को ये बॉडी समझते हैं, अगर अपने आप को ये शरीर समझते हैं, तो जैसे सपोज किसी का आई ट्रांसप्लांट हुआ, ठीक है, एक आई खराब हो गया था, किसी दूसरे मरते हुए व्यक्ति ने आई डोनेट कर दिया, तो आई ट्रांसप्लांट हो गया, ठीक है। सपोज हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया, हार्ट ट्रांसप्लांट मतलब पास कर देते ना बस किसी को, हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया, किडनी ट्रांसप्लांट हो गया, लिवर ट्रांसप्लांट हो गया, कोई भी बॉडी पार्ट जो है वो चेंज हो गया, तो क्या कभी ऐसा होता है, एक होता है डोनर एक होता है डोनी, डोनर मतलब जो देता है और डोनी मतलब जिसको मिलता है ट्रांसप्लांटेशन में, तो क्या ऐसा होता है कि किसी का हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया तो जैसा नेचर डोनर का था वो वैसा नेचर डोनी का हो गया, ऐसा होता है, नेचर चेंज हो जाता है? एब्सोल्युटली नॉट, वो तो जस्ट एक ब्लड पंपिंग के लिए मशीन है। तो
डोनर ने अगर कुछ डोनेट किया, कोई बॉडी पार्ट डोनेट किया और उससे डोनी का बस जो बॉडी है वो चलना शुरू हो गया, बट कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, जैसा वो पहला सोचता था अभी भी वैसे ही सोचता है, अगर वो पहले ग्रीडी था अभी भी ग्रीडी है, वो पहले सेल्फलेस था पर्सन अभी भी सेल्फलेस है, पहले सेल्फिश था अभी भी सेल्फिश है, पहले लस्टी था अभी भी लस्टी है कि नहीं? तो किसी का अगर कोई बॉडी पार्ट किसी को मिल जाए तो क्या उसके बॉडी क्या उसका नेचर मिंगलिंग हो जाता है, सेम नेचर हो जाता है डोनर की तरह? नहीं, यही से हम समझते हैं कि इट इज नॉट बॉडी दैट इज एब्सोल्यूट ट्रूथ, बॉडी से कुछ नहीं होता एक्चुअली में, द नेचर इज ऑफ सोल, आत्मा का नेचर है, वरना बॉडी पार्ट्स चेंज कर दो पर्सन चेंज हो जाएगा, इज इट पॉसिबल? कभी सुना ऐसा? इट्स इम्पॉसिबल। तो हम यही से समझते हैं कि ये जो बॉडी है ये सिर्फ एक मशीन के समान है, सिर्फ एक मशीन की तरह वर्क करता है, एक्चुअली में जो आपकी थिंकिंग है, जो आपका नेचर है, जो आपका परसेप्शन है, जो आपका देखने का नजरिया है, जो कुछ भी है, एवरीथिंग इज सोल नॉट द बॉडी। आई इज अ मशीन टू परसीव, बट एक्चुअली हु सीज एवरीथिंग इज नॉट दिस बॉडी, हु सीज एवरीथिंग इज द सोल हु इज सिटिंग इनसाइड। श्रीमद् भागवत हम कंपेयर करता है इस बॉडी को एक रथ से, एक चैरियट से, हा? और उस चैरियट के पांच सेंसेस हैं, वो कौन है? पांच घोड़े। उस चैरियट के जो पांच घोड़े हैं वो किससे कंपेयर कर रहे हैं? हमारे पांच सेंसेस से। और उस चैरियट को किससे कंपेयर किया गया? हमारे बॉडी से। हा? और वो जो पांच सेंसेस हैं, आईज, नोज, ईयर्स, टंग एंड स्किन, ये पांच डायरेक्शंस में भागते हैं। और जो वो लगाम है, जो रस्सी है जिनसे उन हॉर्सेस को खींचा जाता है, वो लगाम क्या है? माइंड, मन। और जो सारथी है वो कौन है? इंटेलिजेंस। और जो सवारी है वो कौन है? सोल। चलो मेरे को बताओ, जो घोड़े हैं वो कौन है? सेंसेस। जो रोप है वो माइंड। जो सारथी है वो कौन है? इंटेलिजेंस। जो सवारी है वो कौन है? सोल। और जो रथ है वो क्या है? बॉडी। इन पांच चीजों से एक एनालॉजी देके श्रीमद् भागवत हम कंपेयर करता है हम इंडिविजुअल लिविंग बीइंग्स को विद अ चैरियट। अब अगर किसको कमजोर छोड़ा हुआ है? इंटेलिजेंस को, सारथी को कमजोर छोड़ा हुआ है किसी ने, सारथी को अगर कमजोर छोड़ा हुआ है तो क्या होगा? जो सेंसेस है ये पांच डायरेक्शन में भागेंगे और माइंड इन सारे सेंसेस को सेटिस्फाई करने की कोशिश करेगा, और इससे जो पूरा रथ है वो गलत डायरेक्शन में जाएगा, और अल्टीमेटली सफर कौन करेगा? पैसेंजर, वो गलत जगह पहुंच जाएगा। सो तो कोई सवाल पूछेगा कि आखिर ये मटेरियल बॉडी रिक्वायर्ड क्यों है? मटेरियल बॉडी रिक्वायर्ड क्यों है? हम तो लिविंग एंटिटीज हैं, सोल्स हैं, आत्मा है, तो आत्मा तो लिविंग है, तो बॉडी रिक्वायर्ड है। देखो, there are two worlds, spiritual world and material world. Spiritual world में सब कुछ conscious है। ये table भी अगर spiritual world में होगा तो ये क्या होगा? Conscious या unconscious? बातें करेगा ये। जैसे छोटे होते आप cartoons में देखते थे ना, TV भी बातें कर रहे हैं, table भी बातें कर रहे हैं। देखा ऐसा cartoons में? देखा ना छोटे होते? वो reality है। वो कहाँ का reality है? यहाँ का नहीं है, spiritual world का। Fruits भी बातें करते हैं, milk भी बातें करता है, टेबल्स चेयर्स सब कुछ बातें करते हैं। एवरीथिंग इज चेतन, कोई जड़ वस्तु है ही नहीं। मिट्टी भी बातें करता है, पेड़ भी बातें करते हैं, सब कुछ। इसको कहते हैं शांत रस। क्या कहते हैं? तो सभी बातें करते हैं, एवरीथिंग इज कॉन्शियस। और जो सोल है वो उसी स्पिरिचुअल वर्ल्ड से मटीरियल वर्ल्ड में आई है, स्पिरिचुअल स्काई से मटीरियल स्काई में आई है। अब सोल सब कुछ कैसा देख कर आई है? पीछे कैसा देख कर आई है? सब कुछ कैसा देख कर आई है? सब अलाइव, सब जीता जाता देख कर आई है। और यहां आके सब क्या है? मिट्टी बोलती है यहाँ पे? नहीं। पत्ते बोलते हैं? नहीं। ये टेबल बोलता है? नहीं। जड़ वस्तु। तो ये जड़ वस्तु के साथ हम रिलेट कर पाए, मैटर के साथ रिलेट कर पाए, इसीलिए हम लोगों को ये जड़ वस्तु दी जाती है। ये बॉडी क्या है? जड़, अनकॉन्शियस। और एक जड़ वस्तु के अंदर, एक बॉडी के अंदर, जैसे स्टेबल के अंदर आत्मा डाल दी जाए तभी तो ये रिलेट कर पाएगी ना आत्मा। परसेप्शन, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई वांट टू से। आई वांट टू से इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड एवरीथिंग इज लिविंग,
तो सोल वहां पे रहती है तो वो इजीली रिलेट कर पाती है सारी चीजों से। परंतु जब मटेरियल वर्ल्ड में सोल आती है तो यहाँ पे तो जड़ वस्तु भी है। जड़ वस्तु मतलब समथिंग कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस लाइक दिस टेबल। अब इसके साथ रिलेट सोल तो नहीं कर पाएगी क्योंकि सोल सब कुछ कैसा देख कर आई है, लिविंग कॉन्शियस देख कर आई है। अब यहाँ आके तो सब कुछ अनकॉन्शियस है, ये टेबल, ये चेयर, ये माइक, ये मोबाइल, सब अनकॉन्शियस है। तो सोल इनके साथ रिलेट कर पाए इसलिए सोल को डाला जाता है मैटर में। और वो मैटर क्या है? ये बॉडी। ये बॉडी आठ चीजों की बनी हुई है। कितनी? अर्थ, वाटर, एयर, फायर, ईथर। पांच तो ये हो गए ग्रॉस एलिमेंट्स। बोलो क्या क्या? अर्थ, अर्थ यानी मिट्टी, फायर यानी अग्नि, वाटर यानी जल। पता ना 70% बॉडी में क्या है? पानी है। अर्थ, वाटर, फायर, एयर, वायु, इत्र, इत्र मीन्स स्काई, ओपन स्पेस। ये पांच तो ग्रॉस एलिमेंट्स है जिससे बॉडी बनी है। अब ये पांच जो जीवित है या निर्जीव है? जीवित है या निर्जीव है? निर्जीव। मैटर है, लंप ऑफ मैटर, जिसको हम इतना सजाते हैं, जिसकी इंजॉयमेंट का हम इतना ध्यान रखते हैं। ये तो सिर्फ मिट्टी है। हाँ प्रभु जी, कहना बहुत आसान है, नहीं सोचना भी आसान है, समझना भी आसान है इस बात को कि ये मैटर ही है। पांच ग्रॉस एलिमेंट्स, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, इधर। तीन सटल एलिमेंट्स, क्या क्या? माइंड, ईगो, इंटेलिजेंस, मन, बुद्धि और अहंकार। ये सटल एलिमेंट्स है। तो ये जो सोल है, ताकि ये सारे अनकॉन्शियस चीजों को कुछ समझ पाए, इसीलिए सोल को डाल दिया जाता है किसमें? एक अनकॉन्शियस चीज में। और वो अनकॉन्शियस चीज क्या है? ये बॉडी। ये बॉडी अनकॉन्शियस आइटम। अब ये अनकॉन्शियस और कॉन्शियस का जो कॉम्बिनेशन है, यानी सोल और ये बॉडी, सोल इज कॉन्शियस, बॉडी इज अनकॉन्शियस, और अनकॉन्शियस और कॉन्शियस का जो कॉम्बिनेशन आता है, तो सोल रिलेट कर पाती है आसपास की अनकॉन्शियस चीजों से। ये कॉन्सेप्ट समझ आता है? कितना को समझ आए मेरी बात? पता चला बॉडी क्यों देनी पड़ती है मटेरियल वर्ल्ड में? क्योंकि यहां सब कुछ जीवित है या अनकॉन्शियस है? अनकॉन्शियस है। तो अनकॉन्शियस के साथ रिलेट करने के लिए सोल को भी अनकॉन्शियस में डाल दिया जाता है। और रिलेट कर लो अपने आप को, फिर एक अनकॉन्शियस चीज सड़ जाती है। अब जैसे ये टेबल है, ये क्या हमेशा हजार सालों तक ऐसा ही रहेगा? नहीं, कुछ समय बाद ये डिटीरियोरेट, देखो अभी अभी इसका देखो क्या हो रहा है, कुछ समय बाद ये डिटीरियोरेट होना शुरू हो जाएगा। ऐसे ये जैसे ये टेबल है ना भैया, ये जैसे ये टेबल है वैसे तुम हो, तुम में और टेबल में कोई खास फर्क नहीं, सब एक थाली के चट्टे पट्टे। मटेरियल वर्ल्ड में सिर्फ एक ड्राइविंग फोर्स है, वो क्या है? सोल। बस वो लाइफ है, वो ऑलवेज कॉन्शियस है ना, एवरीथिंग इज अनकॉन्शियस। तो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हुआ? बॉडी या सोल? सोल। पर हम किसका ध्यान रखते हैं? बॉडी का। ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। हमें ध्यान किसका रखना चाहिए? सोल। रखते किसका ध्यान है? बॉडी का ध्यान रखते हैं। और फिर ये बॉडी खत्म हो जाती है, फिर सोल अगली बॉडी में जाता है, तो हम उस बॉडी का ध्यान रखते हैं, रखने लग जाते हैं। ऐसे चलता रहता है। तो ये जो मटेरियल बॉडी क्यों रिक्वायर्ड है? टू एडजस्ट विद द मैटर। इफ यू डोंट हैव द मटेरियल बॉडी, अगर सोल को यहां पे ओपन छोड़ दिया जाए, वो मैटर के साथ एडजस्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसने हमेशा हर चीज कैसी देखी है? कॉन्शियस देखी। देखो थोड़ा हायर लेवल कॉन्सेप्ट है, समझ पा रहे हैं सभी? Is it able, you are able to understand what I want to say? Okay. अब जब ये सोल स्पिरिचुअल वर्ल्ड से, अब जब ये सोल स्पिरिचुअल वर्ल्ड से मटीरियल वर्ल्ड में भेजी जाती है, तो जो पहला फॉर्म मिलता है वो कैसा मिलता है? फर्स्ट फॉर्म इज ऑफ ह्यूमन। वन सेकेंड। When the spirit soul is sent to enjoy the material world, when the spirit soul is sent to this material world, he has to be covered by a material body so that he may get acclimatized to the matter to live in the material world. As when you wear winter clothes when you go abroad to a foreign atmosphere. अब जब किसी ऐसे देश में जाएंगे तो विंटर से बचने के लिए आपको गर्म कपड़े पहनने पड़ेंगे, ताकि आप वहां के एटमॉस्फेयर को एक्लेमेटाइज कर पाए, उसको एक्सेप्ट कर पाए।
इसीलिए सोल को ये बॉडी देख जाती है। द स्पिरिट सोल फर्स्ट एक्सेप्ट्स अ ह्यूमन फॉर्म ऑफ बॉडी। सबसे पहले जब आप स्पिरिचुअल स्काई से मटीरियल स्काई में ढकेले जाते हैं, क्यों ढकेले जाते हैं? क्योंकि कहते हैं हमें राजा बनना है। हालांकि यदि आप देखें, आज सुबह हम क्लास में डिस्कशन कर रहे थे भागवतम क्लास में, ध्रुव महाराज को, भगवान ध्रुव महाराज की स्टोरी कितनों ने सुनी है, ध्रुव महाराज की, राजा उत्तानपाद की। ध्रुव महाराज को भगवान ने पूरा वैकुंठ लोक जैसा ही लोक वैकुंठ ही दे दिया एक तरीके से, ध्रुव लोक दे दिया। भगवान का भी फर्क नहीं करते हैं कि मैं भगवान हूं तुम सर्वेंट हो, मैं सुप्रीम हूं तुम मैं मास्टर हूं तुम सर्वेंट हो, भगवान कभी ऐसा डिस्टिंक्शन नहीं करते। ये तो हमने डिस्टिंक्शन किया, यू आर द मास्टर आई एम द सर्वेंट, आई ऑल्सो गोइंग टू बिकम द मास्टर। भगवान ने कहा ठीक है चलो जाओ, एक रख रहा हूं सब तुम्हें दे रहा हूं, जाओ जाके मास्टर बनो। तो फिर मास्टर बनने के लिए हम कहां पर आ गए, इस मटेरियल वर्ल्ड में। और जैसे ही इस मटेरियल वर्ल्ड में आप आएंगे तो सोल को सबसे पहली बॉडी जो मिलती है, आउट ऑफ 84 लाख टाइप्स ऑफ बॉडीज, 84 लाख योनियां, 84 लाख टाइप्स ऑफ बॉडीज में से जो सबसे पहली बॉडी मिलती है कौन सी मिलती है? ह्यूमन फॉर्म। छिपकली भी एक बॉडी होती है, कुत्ता भी, शेर भी, सुअर भी, सब बॉडीज, ह्यूमन भी एक बॉडी। तो सबसे पहली बॉडी कौन सी है? कौन सी है? ह्यूमन। तो देखते हैं, द स्पिरिट सोल फर्स्ट एक्सेप्ट्स अ बॉडी दैट इज ह्यूमन फॉर्म बट ग्रेजुअली ड्यू टू हिज डिग्रेडेड एक्टिविटीज। हरकतें वो ऐसी करता है ह्यूमन फॉर्म लेकर, ही फॉल्स इनटू लोअर फॉर्म ऑफ लाइफ, फिर उसको कुत्ता सुअर बनने पे मजबूर कर दिया जाता है कि जैसी हरकतें करोगे वैसे। अभी हम पढ़ेंगे, अभी हम केस स्टडीज देखेंगे आज रीइंकार्नेशन की। तो ये जो प्रोसेस है, अगर आप अपग्रेडेड एक्टिविटीज करेंगे तो आपको ह्यूमन फॉर्म से ऊपर की बॉडीज मिलेंगी, देवताओं की बॉडी मिलेगी, डेमीगॉड्स की, इंद्र भी बन सकते हैं, ब्रह्मा भी बन सकते हैं, पर डिग्रेडेड एक्टिविटीज करेंगे। हिट आ गया। अगर डिग्रेडेड एक्टिविटीज करेंगे तो क्या होगा, लोअर फॉर्म्स में चले जाएंगे, कुत्ता सुअर बिल्ली जो जैसे। So this process is called reincarnation. तो यदि हम आगे देखें, क्या आप लोग, मैं एक स्टेटमेंट बोलना चाहता हूं। बेंजामिन फ्रैंकलिन, ये कौन थे, कौन बताएगा? यूएस के प्रेसिडेंट, फाउंडर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, बेंजामिन फ्रैंकलिन। आई एम टेलिंग यू इज एग्जैक्ट कोट्स, क्या कहा इन्होंने? Finding myself to exist in the world, I believe I shall, in some shape or the other, always exist. मैं किसी ना किसी शेप में हमेशा exist करूंगा। ऐसा किसने बोला? Benjamin Franklin के, as it is quoted statement है। Again, एक psychologist Carl Jung, very famous psychologist, quotes, I could well imagine that I might have lived in former centuries. एक साइकोलॉजिस्ट ये बात कह रहे हैं, आई कुड वेल इमेजिन दैट आई माइट हैव लिव्ड इन फॉर्मर सेंचुरीज एंड देयर एनकाउंटर्ड क्वेश्चंस आई वाज नॉट येट एबल टू आंसर दैट आई हैड टू बी बोर्न अगेन बिकॉज आई हैड नॉट फुलफिल्ड दैट टास्क दैट वाज गिवन टू मी। मेरा दोबारा जन्म क्यों हुआ? क्योंकि जो टास्क मुझे पहले दिया गया था वो पूरा नहीं हुआ था। तो ये एक साइकोलॉजिस्ट की स्टेटमेंट है, कार्ल जंग, वेरी फेमस साइकोलॉजिस्ट। So these are the few statements, and मैं आप लोगों को एक reincarnation का live example दे सकता हूँ आप सबकी life में। आप में से कितने लोग ऐसे हैं, हाथ रेज करिए और मुझे अपने अपने personal experiences बता सकते हैं। आप में से कितनों को ऐसा महसूस होता है कि आपके पास कोई ऐसा unacquired, unheritable, uninherited skill है? मतलब uninherited skill मतलब आपकी family में वो skill किसी के पास नहीं था पर आपके पास है, अनएक्वायर्ड, कहीं से आपने सीखा भी नहीं, कहीं से मतलब यू हैव नेवर एवर एक्वायर्ड इट, मतलब यू आर नेवर एवर ट्रेन्ड इन दैट स्किल एंड इट इज अनइनहेरिटेड। आपकी फैमिली में कोई ऐसा है भी नहीं जिसके पास ये स्किल हो, बट आपके पास है। कोई है? कोई नहीं। म्यूजिक का फैमिली में किसी को नहीं है म्यूजिक का, किसी का आवाज अच्छा नहीं, सब बाथरूम सिंगर्स, ओके वो भी नहीं है, बुरा हाल है, और आपकी आवाज अच्छी दिखने के लिए। तो ये क्या है? अनएक्वायर्ड अनइनहेरिटेड स्किल। हाँ, थोड़ा बहुत म्यूजिक का है, और
टेक्नोलॉजी, कॉमर्स का बच्चा है टेक्नोलॉजी, ओके गुड। और आर्ट, ड्राइंग, और भी चीजें हैं। स्केचेस करते हो? स्केचेस पहले छोड़ दी थी पर अब कैसे सेवा में लगाएंगे तुम्हें तो क्या बताते पता ही नहीं था मैं तो। और क्यूरियोसिटी रहती है हर चीज, मतलब कुछ भी हो। घर वाले क्यूरियस नहीं है? ये जो चल रहा है चल रहा है। अच्छा, और किसी के पास कोई ऐसा स्किल जो फैमिली में किसी के पास नहीं है पर आपके पास आ गया सम? थोड़ा सा इंटरेस्ट है स्क्रिप्चर्स में, किसी का नहीं। स्क्रिप्चर्स में किसी का इंटरेस्ट नहीं है, मेरा है, ठीक है। और कोई कुछ शेयर करना चाहेगा? बस, बाकी सबको घर वालों से ही मिला हुआ जो मिला हुआ। लेफ्ट हैंड से लिखना, कोई नहीं घर में लेफ्ट हैंड से लिखता, ओके। लेफ्ट हैंड ही चलता है। और किसी के पास कोई अनएक्वायर्ड स्क्रिप्चर्स? और ओके, मेरे पास भी है अनएक्वायर्ड, अनइनहेरिटेड। हमारी पुश्तों में कोई टीचर नहीं रहा, पिछली कितनी पुश्तें उठा के देख लो, कभी कोई अध्यापक नहीं रहा, मैं टीचर बन गया पता नहीं कैसे, सच बता रहा, कोई नहीं पूरी फैमिली में। मैं अपने फादर से पूछा एक बार, पढ़ता था भगवत गीता, पर्पस में कुछ आया है अनएक्वायर्ड अनइनहेरिटेड स्किल्स। मैंने कहा पापा मैं टीचिंग में, मेरे को इतना इंटरेस्ट है, मेरे को मजा आता है पढ़ाकर, तो कोई नहीं फैमिली, कहते नहीं कोई दूर दूर तक नहीं हमारी फैमिली में टीचर, पर मेरे को टीचिंग स्किल मिल गया। नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज री इनकार्नेशन, री इनकार्नेशन। जो स्किल्स पिछले लाइफ में एक्वायर कर गए थे वो अब विजिबली बाहर दिख रहे, अभी भी दिख रहे, ये प्रूफ है अपने आप में रीइनकार्नेशन का। मुझे कभी किसी ने टीचिंग नहीं सिखाया, कभी मैंने ट्रेनिंग नहीं ली फॉर्मली कि टीचिंग करते कैसे। सीए बना था अच्छा खासा 2012 में, सीए बन के जॉब भी बड़ी अच्छी लगी थी अर्नेस्ट एंड यंग में, वन ऑफ द बिग फोर्स डेलॉयट के, जॉब करने के लिए गया, अच्छे खासे पैकेज पे गया, पता नहीं वहां पे जाके ऐसे क्या आग लगी, ऐसे मन करने लगा कि मुझे ऐसे लगता मुझे पढ़ाना आता। अच्छा, कभी किसी को पढ़ाया भी नहीं था कि पहले कभी किसी को पढ़ाया हो, सडनली 2013 में माइंड में आया कि मैं शायद पढ़ा सकता हूँ, दिस टीचिंग स्किल आई मे हैव। 2014 में जॉब को लात मार दी, अच्छी खासी जॉब चल रही थी, घर वाले बोलते मेरी जिंदगी बर्बाद करके आ गया ये अपनी, ठीक है, जॉब छोड़ के आ गया यहाँ अदर सेक्टर की मार्केट में, एक इंस्टीट्यूट खोल लिया 2 कमरे का, और खोला ऐसे जैसे किसी रेस्टोरेंट के बाहर मेन्यू लगता है ना, दाल मखनी चावल, ऐसे सब्जेक्ट्स के नाम लिखे थे पोस्टर के ऊपर। फिर ऐसे सोचे थे जो पहला बच्चा आएगा वही पढ़ा लूंगा, तो पहला बच्चा आया +2 अकाउंट्स पढ़ने के लिए, और एक बच्चा आया +1 अकाउंट्स पढ़ने के लिए, उनको पढ़ाया तो मुझे सच में लगा हाँ मेरे में सच में टीचिंग स्किल है, और वो डेवलप करते 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 आज यहां पहुंच गए। सो दिस इज अनएक्वायर्ड अनइनहेरिटेड स्किल, ये अपने आप में प्रूफ है दैट इन प्रीवियस लाइफ्स आई वाज अ टीचर, द सेम टैलेंट हैज कंटिन्यूड इन दिस बॉडी, द ग्रॉस बॉडी हैज चेंज्ड, मेड ऑफ अर्थ फायर वॉटर एयर ईथर, ग्रॉस बॉडी बदल गई, ग्रॉस बॉडी बदल गई, पर माइंड ईगो इंटेलिजेंस जो आत्मा के ऊपर सटल कवरिंग है वो तो आत्मा पिछली बॉडी से साथ में अपना सामान लेके चलती है, लेकिन जो इस लाइफ के इंप्रेशंस हैं, जो हरकतें, जो नशा करने की आदत है, वो सोल जो है वो अपने माइंड ईगो इंटेलिजेंस के फॉर्म में इंप्रेशंस को क्रिएट कर रही है, वो सटल बॉडी होती है। कितनी तरह की बॉडीज होती है? 2, ग्रॉस और सटल। ग्रॉस दिख रही है, सटल दिखती नहीं, वो सोल के ऊपर कवरिंग है, जो हरकतें करी है वैसा इंप्रेशन सेट हो के वो सोल के ऊपर तगड़ा एकदम लेयर बना लेती है, और फिर वो सोल अपना सामान साथ लेके चलती है, इस बॉडी को छोड़ती है, सटल बॉडी ले जाके अगला नया ग्रॉस बॉडी मिलता है, उसमें सोल सटल बॉडी के साथ एंटर कर जाती है, और फिर वही हरकतें शुरू हो जाती है जो पिछले लाइफ में नहीं। इटसेल्फ इज अ प्रूफ, अनएक्वायर्ड स्किल, अनइनहेरिटेड स्किल इज अ प्रूफ ऑफ रीइंकार्नेशन। सेकंड, कितनों के साथ देजा वो हुआ, देजा वो, यू अंडरस्टैंड देजा वो क्या होता है?
कभी कभी ऐसा फील होता है एकदम से कोई ऐसा मोमेंट हो, ऐसा फील होता है ये सेम एक बार तो मेरे साथ हो रहा था बिल्कुल ऐसे। मैं नाइफ से परसों हुआ, मैं एक एप्पल काट रहा था, यहाँ से मम्मी मेरे ऊपर चिल्ला रहे थे किसी बात को लेकर, मैं एप्पल काट रहा था अपना काम कर रहा था, मेरे को ऐसे एकदम से महसूस हुआ ये सेम डायलॉग भी मैं सुन रहा हूँ और ये एप्पल भी मैंने ऐसे काटा हुआ है, एक बार तो ऐसा हुआ। कितों को हुआ ऐसे? देखो सबको। तो क्या रीइंकार्नेशन नहीं हुआ क्या? चलो अच्छा, कोई इसका कोई और लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दे सकता है तो बता दो मुझे, कैसा क्यों फील होता है कि ये हुआ था? कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है? तीसरा, फोबिया। कितने लोग ऐसे जिनको किसी ना किसी चीज का फोबिया है, किसी चीज का तो फोबिया है, हालांकि उनके साथ कभी ऐसा कुछ गलत नहीं हुआ फिर भी फोबिया है। किसका? ऊंचाई का फोबिया, हाइट का फोबिया, हाइट का फोबिया, पानी बहुत ज्यादा दिख जाए, पानी का फोबिया, लिजर्ड का फोबिया, और कोई बस बाकियों को फोबिया नहीं है, अंधेरे का फोबिया, ज्ञान से अंधकार से प्रकाश की ओर, अब तो वो संत हो, और हाइट, हाइट और रेप्टाइल्स, कीड़े मकोड़े, स्पाइडर्स, डॉग्स का फोबिया, और किसने किया ये फोबिया? कभी कुत्ते ने काटा? नहीं, फिर भी फोबिया। कभी पानी में डूबे? कौन था पानी में? फिर भी फोबिया। कभी हाइट से गिरा? फिर भी फोबिया। These are the impressions of the previous lives in the form of mind, ego and intelligence that you are carrying from the previous life in this body. That is why you have this phobia. और कोई शेयर करना चाहेगा कुछ unacquired, uninherited skill? कोई शेयर करना चाहेगा? कोई glimpse आते हो पुराने life के? पुराने लाइफ के कुछ दिखता है, लाइक करण अर्जुन टाइप, करण अर्जुन टाइप कुछ दिखता है। ओके वेरी गुड। हां मुझे स्पेस का इंटरेस्ट रहता है, स्पेस का इंटरेस्ट रहता है कि स्पेस में क्या है। और ओके कोई और डेजा वो का कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं? इसको पुराने लाइफ की आती, पुरानी लाइफ की आती, किनको बताओ क्या थी? मेरे को ना पिछले दिनों का याद था कि क्या लेके खड़े हो के जोर से बोले तो मेरे को याद थी कि मैं बीमार था, मेरे को के लेके जाते थे और वो बंदा मेरे ऊपर चढ़ता था और मेरे को दबाता था। अच्छा। रात को बार बार दिखता था वही सपना। फिर मैंने मम्मी को बताया तो बताया कि तेरे मामा बीमार थे तो उनको इलाज के लिए लेके जाते थे तो उनके साथ करते थे ऐसा, और वही जगह दिखती थी, वही बंदे दिखते थे वापिस बार बार। वजह से मेरे को लगता था कि आंख खुल जाती थी तो पता नहीं चलता था किस तरफ सोया हूँ मैं, सब तरफ से एक जैसा दिखता था। किस एज में होता था आपके साथ ऐसा? ये होता था मेरे को 10-11 साल तक, वो उसके बाद अब नहीं होता। अब नहीं होता। और ऐसा दिन में भी होता था कि जैसे कि मैंने पहले देखे सारे बंदे मेरे साथ मिले सारे के सारे। अगर हम देखें, हमने कुछ ये तीन पॉइंट्स डिस्कस करे, अनएक्वायर्ड अनइनहेरिटेड स्किल्स, हमने देखा क्या देजा वो, हमने देखा क्या फोबिया, ये सब इंप्रेशन है सोल के ऊपर जिसके वजह से वी फेस इट। यदि हम देखें कुछ एक केस स्टडी बड़ा इंटरेस्टिंग है, शुक्ला गुप्ता एक लड़की है वेस्ट बंगाल में, रियल स्टोरी है। एंड ये किसी यूएस के रिसर्चर ने 3000 केसेस निकाले थे री इनकार्नेशन के। इसका नाम है प्रोफेसर स्टीवनसन, गूगल पे कभी सर्च कर सकते हैं, STEVENSON, प्रोफेसर स्टीवनसन। इन्होंने 3000 से ऊपर केसेस निकाले सिर्फ री इनकार्नेशन के, और रियल केसेस विद प्रूफ्स। उनमें से एक केस जो इन्होंने निकाला हम वो डिस्कस कर रहे हैं। एक लड़की है वेस्ट बंगाल की, शुक्ला गुप्ता। तो इस लड़की का जन्म हुआ
और जब ये छोटी थी 1.5 साल की थी तो इसने अपने डॉल के साथ खेलते खेलते इस लड़की ने उसको मीनू मीनू बोलना शुरू कर दिया अचानक से। शुक्ला गुप्ता इस लड़की का नाम है, ये 1.5 साल की है और इसने अपनी डॉल के साथ एक पिल्लो के साथ डॉल के साथ खेलते खेलते उसको क्या बोलना शुरू कर दिया। दिस इज अ रियल केस स्टडी आई एम टेलिंग यू द नेम ऑफ द प्रोफेसर डॉक्टर प्रोफेसर स्टीवेंसन जिन्होंने 3000 केसेस रीइंकार्नेशन के निकाले उनमें से एक केस मैं आपको बता रहा हूं। तो इन्होंने इसने उस ये शुक्ला गुप्ता ने लड़की को मीनू मीनू बोलना शुरू कर दिया डॉल को खेलते 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 1.5 साल की उम्र में। और नाम इसमें से सारे देख रहा हूं फिर से। और ये जो शुक्ला गुप्ता की एक रेलवे करंट लाइफ की बात कर रहा हूं, शुक्ला गुप्ता इसका करंट नेम था। और शुक्ला गुप्ता एक रेलवे वर्कर कंपा नाम के पर्सन की डॉटर थी, ठीक है। और कभी कभी ये और क्या करती थी, ये अचानक से मीनू के पापा ऐसे भी बोलने लग जाती थी ये लड़की अचानक से, मतलब इसकी जो प्रीवियस लाइफ में कौन थे हस्बैंड, और इनकी प्रीवियस लाइफ में डॉटर का नाम क्या था मीनू। अच्छा, और जब थोड़ी सी बड़ी हो गई तो इसने अपने घर वालों को बताया कि मेरी पिछले जन्म में मेरे एक हस्बैंड थे, मेरी एक बेटी हुई थी पैदा मीनू, और मेरे दो भाई थे, मेरे हस्बैंड के दो भाई थे, उनका नाम था खेतु और करुणा, मेरे भाई हस्बैंड के ब्रदर्स का नाम, मतलब मेरे देवर, उनका नाम था खेतु और करुणा, और हम सब रहते थे रथला नाम की जगह में भातपारा, कैलकटा बंगाल में जगह भातपारा, उस पर एक डिस्ट्रिक्ट है रथला, हम वहां रहते थे। तो शुक्ला, अब ये जो लड़की थी ये तो 4 साल की हुई थी अभी जब ये सारी बातें उसने बताई, 4 या 5 साल की, तो जब उसने भातपारा का रथला का नाम लिया तो फैमिली वालों को लगा कि हमने तो कभी इसको बताया ही नहीं भातपारा के बारे में, इसको कुछ कैसे पता इस जगह का नाम, रथला का कभी हमने बताया नहीं, इसको कैसे पता इस जगह का नाम। तो इस लड़की ने बताया। फिर ये जब थोड़ी सी और बड़ी हो गई तो इसको 1959 में, थोड़ी सी और बड़ी हो गई, 5 साल से थोड़ी बड़ी हो गई, तो इसने जिद पकड़ ली इस लड़की ने कि मुझे तो इस लड़की ने जिद पकड़ ली कि मुझे लेकर जाओ, कहां पर लेकर जाओ, रथला में लेकर जाओ, भातपारा के पास, भातपारा शहर में रथला डिस्ट्रिक्ट है, वहां लेकर जाओ और मैं वहां अपनी फैमिली से मिलना चाहती हूँ। और जब ये लोग वहां पहुंचे, ये उसकी बच्ची के, इस लड़की का नाम इस लाइफ में क्या था, शुक्ला गुप्ता, और ये लड़की ये जो लड़की थी शुक्ला गुप्ता, इसने जिद पकड़ ली कि मुझे भातपारा में ये रथला नाम की जगह है जो डिस्ट्रिक्ट है, मुझे यहाँ लेके चलो और मुझे वहां पे अपनी पुरानी फैमिली से मिलवाओ पिछले जन्म की। ये फैमिली वालों ने पहले तो बिलीव नहीं किया, करंट फैमिली ने, फिर उसको लेकर चले गए वहां पर। जब लेकर गए दे वर एस्टोनिश्ड टू सी कि वो घुमा फिरा कर सही रास्ते से उस घर तक ले गई ये जो शुक्ला गुप्ता थी, जहां पर ये पिछले लाइफ में थी, जिस घर की ये बहू थी पिछले लाइफ में, वहां तक ले गई। और वहां जाकर इसने पहले ही बता दिया कि यहाँ एक अमृत लाल चक्रवर्ती नाम के पर्सन का घर आएगा, वही मेरा घर है, वो मेरे ससुर जी का नाम था पिछले जीवन में। कौन बोल रहा है ऐसा, शुक्ला गुप्ता बोल रही कि मेरे पिछले जीवन में मेरे ससुर जी का नाम था अमृत लाल चक्रवर्ती, और पता किया गाँव में जाके तो अमृत लाल चक्रवर्ती का पर्सन अभी नाम का मर, और जैसे ही उस घर के बाहर पहुंचे तो वो जो अमृत लाल चक्रवर्ती था वो घर के बाहर ही वॉक कर रहा था। और जब उस घर में गए तो घर में जैसे ही घुसी तो उसने बोला, ये घर क्या तुम लोगों ने तोड़ फोड़ के चेंज किया है, कहते हैं हाँ। फिर उसने पूरा पुराने घर का मैप बता दिया
कि पहले यहाँ पर कमरा होता था, यहाँ पर ये होता था, यहाँ पर ये होता था, सब कुछ बता दिया इसने शुक्ला गुप्ता ने। और वो सारे फैमिली वाले हिल गए एकदम कि 5 साल 6 साल की बच्चे इतना कुछ कैसे बता रही है, हाउ इज इट पॉसिबल, जो कभी यहाँ आई भी नहीं, वो पहले से ही सब कुछ जान। फिर वो रतला गुप्ता एक ऐसे कमरे में गई जहां पे एक ऐसा बेड पड़ा था जिसमें वो रहती थी, और जहां पर क्या पड़ा था, एक स्यूइंग मशीन पड़ी थी जो वो यूज करती थी। उन दोनों को वो देखकर पूरी तरह रोने लग गई कि मैं इसी के ऊपर कपड़े सिला करती थी। तो सब एग्री कर रहे हैं उसकी फैमिली में, जो अमृतराणा चक्रवर्ती है उसकी फैमिली में ये बात सबको, दिस इज द रियल स्टोरी। बैक इन 1959 ये एक रिसर्चर जो डॉक्टर स्टीवनसन है, इन्होंने अपनी बुक में लिखा है 3000 केसेस जो इन्होंने आइडेंटिफाई करे रीइंकार्नेशन के, ये उसमें से एक केस है। और इसके बाद इस लड़की ने अपना खुद का नाम बताया कि मेरा पिछले जन्म में नाम था मना, मन्ना मेरे पिछले जन्म का नाम था। अभी इस लड़की का नाम क्या है, शुक्ला गुप्ता। और जैसे ही इसके पिछले जन्म का हस्बैंड सामने आया तो ये एकदम शाइनेस से भर गई, मतलब अपना मुंह नीचे कर लिया और बहुत शाइनेस के साथ बात करने, 5 साल की लड़की 50 साल का बुड्ढा, मतलब ये तो अभी करंट लाइफ में थी शुक्ला गुप्ता और हस्बैंड 50 साल है ना, तो वो पिछले लाइफ का हस्बैंड था। तो इसने बिल्कुल उतने, और बीच बीच में फिर इसके बाद ये इसके हस्बैंड का नाम था हरिधन चक्रवर्ती ठीक है। एंड फिर इसने उसको भी आइडेंटिफाई कर लिया अपने हस्बैंड, और फिर कभी कभी ये शुक्ला गुप्ता अपने प्रीवियस लाइफ के हस्बैंड से मिलती थी, तो जैसे पिछले लाइफ में डिस्कशंस करती थी वैसे इस लाइफ में भी डिस्कशंस करने लगे। कुछ बहुत सारी इंट्रीकेसीज अपने पिछले लाइफ की, कुछ सीक्रेट्स उसने जब अपने हस्बैंड को बताए, इसको किसको, हरिधन चक्रवर्ती को, तो ये भी हिल गए कि इसको कैसे पता ये सारी बातें। तो दिस इज हाउ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि रीइंकार्नेशन होकर रहता है। वो अलग बात है कि हम जब पिछली बॉडी से नई बॉडी में आते हैं हमें विस्मरण हो जाता है, हम भूल जाते हैं, बट भगवान फिर भी कुछ एक इंडिकेटिव पॉइंट्स रखते हैं, कुछ एक लोग ऐसे बच जाते हैं जो अपनी पिछली लाइफ को भूलते हैं, उनको याद रहता है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि भगवान हमें विस्मरण दे देते हैं अपनी पिछले लाइफ का, क्योंकि अगर हमारे साथ इसी लाइफ में कुछ बुरा हो जाए ना, हम जब भी उनको सोचते हैं वो हमारे दिमाग में आते हैं, हम पेन से कर्रा उठते हैं, हम एकदम अनस्टेबल माइंड के हो जाते हैं। किसी के साथ कुछ बुरा हुआ, किसी के फादर की, मदर की, हस्बैंड की, वाइफ की, बच्चे की, किसी की भी डेथ हो गई, कुछ भी गलत हुआ, अगर वो मेमोरी जैसे हमारे माइंड में आती है, हम परेशान हो जाते हैं, एकदम अनस्टेबल हो जाते हैं, मूड खराब हो जाता है। सोचो पिछली लाइफ भी तो पेनफुल रही होंगी, तो यदि उन लाइफ का स्मरण हमें इस लाइफ में रहे तो फिर क्या होगा, हम जी नहीं पाएंगे पीसफुली, बहुत पेन महसूस करेंगे कि मेरे साथ ये भी हुआ था, ये भी हुआ था, ये भी हुआ था, बहुत सारे लोगों के प्रति ग्रजेस आएंगे, बहुत कुछ होगा, इसलिए विस्मरण आ जाता है, हम भूल जाते हैं सारी चीजों। बट कुछ एक जगहों पे भगवान ऐसे कुछ एग्जांपल्स छोड़ देते हैं जिनको अपने पिछले लाइफ का स्मरण आ जाता है, और फिर दे बिकम द प्रूफ्स, दे बिकम द टॉर्च बेयरर्स कि यस रीइंकार्नेशन इज देयर, इट एग्जिस्ट्स। तो ये एक पॉइंट था, ये रियल केस हिस्ट्री थी। यदि आप देखें पाइथागोरस का नाम सुना है सबने, पाइथागोरस थ्योरम उन्होंने दिया था, क्या था पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो पाइथागोरस ने क्या बोला है, पाइथागोरस की यस, पाइथागोरस क्लेम्ड, ग्रीस ग्रीक था ना, ग्रीस का पाइथागोरस क्लेम्ड He could remember his past lives. ये पाइथागोरस ने बोला कि I can remember. Then Islam talks of three things. I will tell you. First is Hahal, the periodical incarnation of a saint. हहल का क्या मतलब है, इस्लाम भी बात करता है रीइंकार्नेशन की। हहल का क्या मतलब है, पूहल का क्या मतलब है, पीरियोडिक रीइंकार्नेशन ऑफ अ सेंट, एक जो सेंटली व्यक्ति है कुछ कुछ समय बाद इनकार्नेट होता रहता है, सेम सेंट। दूसरा रिजत, ये दूसरा स्टेटमेंट, दूसरा पॉइंट देता है इस्लाम अपने कुरान में, रिजत द इमीडिएट रिटर्न ऑफ एन इमाम, जो एक इमाम बनता किसी मस्जिद का वो अगली लाइफ में फिर रिटर्न करता है इमाम बन के, ये इस्लाम बोलता है। तीसरा वो बोलता है
तनसुख, तनसुख है जो कि ऑर्डिनरी लोग होते हैं जितने भी, उनका भी रीइंकार्नेशन होता है, ये इस्लाम बोलता है। और इस्लाम कुरान में ये चीज दी हुई है, मैं आपको आयत नंबर भी आज मैंने कहीं नोट किया था, मैं है नहीं मेरे पास लिखा हुआ, कुरान भी ये चीज कहती है। क्या कहती है कुरान, वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रॉम लॉर्ड कृष्णा केम लॉर्ड बुद्धा, इस्लाम सेज दिस। मैं आपको आयत नंबर मैसेज करूंगा ग्रुप में देखकर कहां पर रहेगी एग्जैक्टली। फ्रॉम लॉर्ड कृष्णा केम लॉर्ड बुद्धा एंड फ्रॉम लॉर्ड बुद्धा केम मोहम्मद, दिस इज व्हाट इस्लाम सेज, कुरान सेज। सो रीइंकार्नेशन को पूरी तरीके से इस्लाम भी एक्सेप्ट करता है, ग्रीक फिलोसफी भी एक्सेप्ट करती है, यूएस के तो रिसर्चर्स ने 3,000 केसेस निकाले हैं रीइंकार्नेशन के ऊपर। तो हमारे लिए क्या रेलेवेंस है रीइंकार्नेशन का, अभी तक तो मैं सारा समय सिर्फ एक चीज प्रूव करने पे लगाया कि यस रीइंकार्नेशन होता है, हमारे लिए क्या रेलेवेंस है रीइंकार्नेशन का। वन क्वेश्चन, ओनली वन क्वेश्चन, कैन आई डिसाइड माई फ्यूचर बॉडी, बस एक क्वेश्चन, क्या अब रीइंकार्नेशन तो होगा, ये बॉडी छोड़ोगे अगली बॉडी में जाओगे। भगवत गीता तो टाइमलेस विजडम है, पहले ही बता चुकी है, देहिनोस्मिन यथादेहे कौमारं यौवनं जनम तथा देहांतर प्राप्तिर् धीरस्तत्रेण भूयः। तो भगवदगीता तो पहले ही ये बता चुके हैं, अब मेरे ऊपर है कैन आई डिसाइड माई फ्यूचर बॉडी। तो इसके लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। तो एक भरत महाराज थे, ये राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न वाले नहीं, एक और भरत महाराज थे। तो जो ये भरत महाराज थे, ये पूरे पृथ्वी पे भारतवर्ष इन्हीं के नाम पे पड़ा था, भारतवर्ष पृथ्वी का नाम है, अर्थ सिर्फ इंडिया का नाम भारतवर्ष नहीं, पूरे अर्थ को भारतवर्ष कहा जाता है। और ये पूरे भारतवर्ष के राजा कौन थे, भरत महाराज, ये रामायण वाले भरत महाराज नहीं है, दूसरे भरत महाराज। तो ये भरत महाराज पूरा राजपाट कर रहे थे, और फिर इनको सडनली इच्छा हुआ कि इसमें कुछ रखा नहीं हुआ राजपाट में, तो सब कुछ त्याग के कहां चले जाते हैं, जंगल में, सब अपना बच्चों को देकर रिस्पॉन्सिबिलिटीज देकर भगवान को समझने के लिए भरत महाराज किधर को निकल जाते हैं, जंगल की तरफ। और वहां जाकर भरत महाराज का दिनचर्या कैसा होता है, भरत महाराज वहां पर जाकर फुटहिल्स ऑफ हिमालय पुलहा आश्रम में चले जाते हैं, और वहां जाकर भरत महाराज एक फॉरेस्ट, गंडकी रिवर है नेपाल के पास है गंडक रिवर, उसके पास रहने लग जाते हैं। और वहां पर वो हर रोज ऋग्वेद से भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं सुबह के समय, और फिर स्नान करते हैं, और फिर थोड़ा फ्रूट्स वगैरह इकट्ठा करते थे आसपास की जगह से, और फिर उसको भगवान को भोग लगाते थे और फिर उसको खा लेते थे। और इस तरीके से वो भगवान के नाम के ऊपर मेडिटेट करते हुए अपना जीवन यापन कर रहे थे। तो एक बार क्या हुआ, उन्होंने देखा कि एक डियर होगी, सो शी केम टू ड्रिंक द वाटर। तो एक लॉयन ने अटैक कर दिया उसके ऊपर, शी वॉज प्रेग्नेंट, दिस डियर वॉज प्रेग्नेंट ऑल ऑफ अ सडन। तो उसका गर्भपात हो गया, मतलब बच्चा गिर गया बाहर निकल के वही नदी में, और वो डियर भाग गई, और वो लॉयन उसको चेस करता रहा, वो उस डियर को मार नहीं पाया, और वो डियर किसी केव में एंटर कर गई, उसमें घुस के वो मर गई। अब वो बच्चा को किसने देखा फ्लो करते हुए, भरत महाराज ने नदी में फ्लो करते हुए देखा। तो भरत महाराज ने फटाफट जाकर उसकी जान बचाई बच्चे की। तो जब जान बचाई, अब देखा बच्चा तो बिल्कुल इंसान था, बिल्कुल छोटा, कोई भी देखेगा उसको दया आ जाएगी। तो उसको अपने पास रख लिया कि आई विल टेक केयर, क्योंकि इसकी अब मदर भी मर गई है। भरत महाराज ने जब ऐसे देखा, तो भरत महाराज ने बहुत अच्छे से उसको डियर को अपने पास पालना शुरू कर दिया, उसको खाने को देते थे, उसको सेवा करते थे, उसको हर ये वुल्फ से लॉयन से इन सबसे प्रोटेक्ट करते थे, बहुत केयर करते थे भरत महाराज उस डियर का। धीरे धीरे क्या हुआ, वो अटैच होने लग गए उस डियर के साथ, अटैचमेंट स्टार्ट हो गया। और जब अटैचमेंट स्टार्ट हुआ, तो उन्होंने धीरे धीरे अपना मेडिटेशन का भी जो समय था
भगवान को स्मरण करने का जो समय था वो इस डियर को देना शुरू कर दिया भरत महाराज ने। तो दिस इज कॉल्ड आसक्ति। और फिर एक समय ऐसा आया कि एक बार वो जो डियर का बच्चा जो थोड़ा बड़ा हो गया तो वो कहीं इधर उधर जंगल में भाग गया। भरत महाराज बहुत परेशान हो गए, कहां चला गया, बहुत परेशान हो गए, ढूंढने के लिए निकल गए, कहीं कोई टाइगर उसको ना खा ले, कहीं कोई लायन ना खा ले, कहीं कोई वुल्फ ना खा ले, कहीं उसको कुछ प्रॉब्लम, रोने लग गए, बहुत परेशान हो गए, मोह हो गया था, अटैचमेंट हो गया था बहुत ज्यादा डियर से। तो क्या गलती करी थी भरत महाराज ने, भगवान का स्मरण करना बंद कर दिया था। कहां इतना बड़ा राज्य को छोड़कर आए थे, इतना बड़ा राज्य पूरा भारतवर्ष के राजा, क्यों छोड़कर आए थे, वहां तो आसक्तियों की कमी नहीं थी, क्यों छोड़कर आए थे कि यहां आकर क्या करेंगे, भक्ति करा, पर क्योंकि एक इंपेडिमेंट आ गया, वो डियर आ गई लाइफ में, उसका केयर करते करते अल्टीमेटली उसे इतना अटैच हो गए कि एक दिन वो डियर छोड़कर कहीं पे गई और वो उसको ढूंढने के लिए निकल गए और वो ढूंढते ढूंढते इतना थक गए कि उनको कुछ इंजरीज हुई, फैटल इंजरीज हो गई, मतलब मरने की स्थिति आ गई भरत महाराज की। और जैसे ही वो अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे तो वो डियर सामने आ गए जिसको उन्होंने पाला था, तो उसको देखकर स्माइल करते करते मर गए। तो जैसा कि भगवत गीता के 8वें अध्याय के 6वें श्लोक 8.6 खोलिए जरा भगवत गीता में, vedabase.com 8वें अध्याय के 6वें श्लोक में क्या कहते हैं भगवान, कोई जोर से पढ़ेगा, भगवत गीता के 8वें अध्याय के 6वें श्लोक में जोर से बोलो, कौन बोल रहा है, Whatever state of being one remembers when he quits his body, son of Kunti, that state he will attain without fail. मेरे पीछे दोहराएंगे ये श्लोक, 8वें अध्याय का 6वां श्लोक। यम यम वापि स्मरं भवान्, यम यम वापि स्मरं भवान्, त्यजति अन्ते काले वरम्, तम तम एवेति कौन्तेय, सदा तद्भाव भाविता, वॉट एवर स्टेट ऑफ बीइंग वन रिमेंबर्स व्हेन ही क्विट्स हिज बॉडी ओ सन ऑफ कुंती दैट स्टेट ही विल अटेन विदाउट फेल। जो आप सोचते हुए मरेंगे आप वही बनेंगे। अगर पूरे जीवन कुत्ता पाला है तो कुत्ते के बारे में सोचते हुए मरेंगे तो कुत्ता ही बनेंगे। भरत महाराज ने डियर को पाला था, इतनी एग्जॉल्टेड पर्सनालिटी, भगवान के शुद्ध भक्त, देखिए उनका भी डाउनफॉल हो गया। हिरण के बारे में सोचते हुए मरे और अगले जन्म में क्या बन गए, हिरण। ये दूसरा लाइफ था। टोटल 3 लाइफ टाइम्स डिस्क्राइब्ड है भरत महाराज की श्रीमद् भागवत में। पहला लाइफ टाइम में वो भरत महाराज थे, वो किससे आसक्त हो गए, हिरण से, और दूसरे लाइफ टाइम में वो क्या बन गए, हिरण बन गए। पर भगवान की शक्ति से इस हिरण की बॉडी में भरत महाराज कुछ भूले नहीं थे, उनको सब याद था। तो भरत महाराज दोबारा से उठकर चले गए कहां पे, कुलहा आश्रम पे, जहां पर वो पहले थे, डियर की बॉडी में। और वहां पे सेजेस वगैरह जो ऋषि मुनि थे जो तपस्या कर रहे थे उनके पास रहने लग गए, उनका जूठा खाने लग गए, उनकी सेवा करने लग गए भरत महाराज डियर की बॉडी में रहते हुए। तो फिर क्या हुआ, फिर ये जब डियर का बॉडी समाप्त हुआ तो अब की बार उनको तीसरा जन्म मिला, किस फॉर्म में, जड़ भरत। अब जड़ भरत था उनका नाम तीसरी लाइफ में। अब ये जड़ भरत थे, ये अपनी उनको फिर अभी पिछली दोनों लाइफ्स का स्मरण था, जब वो राजा थे, जब उनको डियर से अटैचमेंट हो गया, फिर वो डियर बने, अब वो तीसरी लाइफ में आ चुके हैं जड़ भरत, उनको पिछली दोनों लाइफ्स याद है। उन्होंने बिल्कुल मूर्खों की तरह बिहेव करना शुरू कर दिया जड़ भरत, ताकि लोग पहचान ना पाए कि उनको सारा ज्ञान है। उन्होंने ऐसा शो करने शुरू कर दिया, मैं अंधा हूं, मैं बहरा हूं, मैं गूंगा हूं, मुझे कुछ नहीं बोलना आता, कुछ नहीं पढ़ना आता, कुछ नहीं सुनता मुझे एकदम, ताकि कोई अब उनको दोबारा ना फंसा ले, क्योंकि अब वो रियलाइज थे। और वो हर समय क्या करते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हमेशा यही करते रहते, कोई पहचान नहीं पाता भरत महाराज को, जड़ भरत को, अब भरत महाराज को इन द बॉडी ऑफ जड़ भरत। और पर्पसफुली वो ऐसा ही बिहेव करते थे। उनके कितने उनके 9
सौतेले भाई थे जड़ भरत के, और वो 9 सौतेले भाई हैं जो वो जड़ भरत से एकदम नौकरों की तरह काम करवाते थे, क्योंकि वो बुद्धि, वो अपने आप को ऐसे ही दिखा, बुद्धि तो उनमें सबसे ज्यादा थी, पर वो अपने आप को कैसा दिखाते थे, बुद्धिहीन, कि मेरे में कोई बुद्धि नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता। उनको पूरे टाइम फील्ड्स में, एग्रीकल्चरल फील्ड्स में लगा के रखते थे, वो गधों की तरह उनसे काम करवाते थे, और बदले में उनको क्या देते थे, कोई सैलरी भी नहीं देते थे, थोड़ा सा अनपैलेटेबल फूड, बहुत अच्छा नहीं, बेकार खड़ा हुआ पुराना गला खाना खाने में। पर जड़ भरत ने कभी कंप्लेंट नहीं करा थ्रू आउट लाइफ, क्योंकि वो पिछले 2 लाइफ का उनको याद था। उनका उन्होंने बोला इस जीवन का पर्पस मेरा क्या है, इस जीवन का पर्पस मेरा ये इन लोगों के साथ, पागलों के साथ उलझना नहीं, इस जीवन का पर्पस क्या है, एमरजेंसी, मुझे किसी तरह ये जन्म मृत्यु का जो चक्र है इसको क्या करना है, समाप्त करना है और भगवान के धाम में वापस जाना है। तो एक बार क्या हुआ, ये जब जड़ भरत जंगल में थे तो कुछ डिकॉयट्स आ गए इनको पकड़ने के लिए, डाकू, और डाकू जो थे वो काली उपासक थे, काली माता की पूजा करते थे, और कोई भी इनोसेंट व्यक्ति उनको दिखता था जिसमें ज्यादा बुद्धि नहीं है उसको ले जाकर उसका बलि चढ़ा देते थे, काली को पावर्स चाहिए थे उनको, काली को अब बलि चढ़ाएंगे तो पावर्स मिलेंगे। तो जब देखा जड़ भरत को आकर तो ये तो बुद्धिहीनों की तरह ही बिहेव करते थे, अनइंटेलिजेंट पर्सन की तरह बिहेव करते थे, तो इसको पकड़ के ले गए वो जो डाकू थे, और ले जाके काली के सामने उनको नहलाया, जड़ भरत को नहला के बलि देने के लिए तैयार किया, अच्छे सुंदर कपड़े पहनाए, आभूषण पहनाए, खूब बढ़िया खाना खिलाया बलि चढ़ाने से पहले, बताओ क्या क्या खाओगे, वो कुछ बताते नहीं, सब अच्छा अच्छा खाना उनके सामने रख दिया, उनको खिलाया, और फिर उसके बाद बलि के लिए तैयार करके, जैसे ही उन्होंने अपना स्वॉर्ड तैयार किया, अपनी तलवार तैयार करी उसका गला काटने के लिए जड़ भरत का, ऐसे ही काली की जो मूर्ति थी सामने उसको बहुत जोर क्रोध आ गया और वो प्रकट हो गई, और जिस तलवार से वो जड़ भरत की बलि देने वाले थे उस तलवार से काली ने सारे डाकुओं को मार डाला और जड़ भरत की रक्षा करी, क्योंकि जड़ भरत काली को तो पता था कि ये भगवान के क्या है, शुद्ध भक्त। इस तरह से जड़ भरत का प्रोटेक्शन हुआ। फिर एक बार क्या हुआ, एक बार किंग रघुगुणा, उस टाइम जो राजा थे भारतवर्ष के, कौन थे, रघुगुणा, तो ये जो राजा रघुगुणा थे ये एक बार जड़ भरत जिस गांव में थे वहीं से अपनी पालकी पे निकल रहे थे, तो एक जो पालकी का जो कैरियर था, पहले क्वीन बेयरर्स होते हैं जो उठाते हैं, तो एक पालकी का जो उठाने वाला व्यक्ति था वो थोड़ा तबीयत खराब था या जो भी, तो उसने वो उठा नहीं पा रहा था ठीक से, तो इन जो बाकी के 3 सेवक थे उन्होंने कहा ठीक है इसको रहने देते हैं, कोई गांव में आसपास से कोई ढूंढते हैं, कोई अच्छा व्यक्ति मिल जाए जो उठा ले पालकी को हमारे साथ, तो हम राजा को महल तक ले जाएंगे। तो उन्होंने देखा तो उनको जड़ भरत नजर आए। अभी जड़ भरत थे ये बहुत ही ज्यादा मैस्कुलिन, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, पूरा मतलब एकदम जो वर्ड आता है श्रीमद् भागवतम में, बुल के समान स्ट्रॉन्ग बॉडी थी, दिखाते ही अपने आप को ऐसे थे कि मेरे में बुद्धि नहीं है, बट बॉडी बहुत स्ट्रॉन्ग थी जड़ भरत की। तो इनको बुलाया, तुम राजा का पालकी उठा लोगे, तो उसने बोला ठीक है मैं हेल्प कर दूंगा, वो चला गया हेल्प करने के लिए। पर जड़ भरत जो है वो सभी लिविंग एंटिटीज को एक समान देखता था, वो राज जैसा राजा है उसके लिए वैसे एक चींटी भी है, तो जब वो चल रहा था पालकी को लेके तो वो रस्ते में जमीन पे देखते हुए चल रहा था कि कहीं गलती से भी मेरा पांव जो है वो किसी चींटी पे भी ना जाए, मेरे वजह से किसी को पेन नहीं होना चाहिए। तो उसकी वजह से क्या होता था, जब वो ऐसे चलते थे जब कोई चींटी आ जाए थोड़ा पांव आगे रखते थे, पांव पीछे रखते थे, कुछ करते थे, तो वो पालकी जो थोड़ा क्या करती थी, शेक करती थी, तो राजा फिर इरिटेट होने लग गया, कह रहा वो पुराने वाले को तो इसलिए भगाया था क्योंकि पालकी बार बार मेरे पास स्टेबल होकर बैठ नहीं पा रहा था, अब तू भी यही शुरू हो गया। राजा ने उसको डांटना शुरू कर दिया, तुम मेरे नौकर हो, मैं तुम्हारा मास्टर हूं, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हें सजा दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। अब जड़ भरत ने, मैं भागवतम एज इट इज कोट कर रहा हूं, जड़ भरत ने क्या क्या बोला, अब जड़ भरत ने पहली बार अपना मुंह खोला जब से उनका जीवन स्टार्ट हुआ। माय डियर किंग, ध्यान से सुनिएगा, सेड जड़ भरत, व्हाट एवर यू हैव सेड अबाउट मी इज ट्रू, यू सीम टू थिंक दैट आई हैव नॉट लेबर्ड हाफ इनफ टू कैरी योर पेलिंग्विन।
हे राजन मुझे ऐसे लगता है कि आप ये सोच रहे हैं कि आपके पालकी उठाने में मैंने बहुत ज्यादा लेबर नहीं लगाया जो मुझे लगाना चाहिए था. That is true because actually I am not carrying your palanquin at all. My body is carrying it, but I am not my body. ऐसा किसने बोला? जड़ बोला. मैं नहीं कैरी कर रहा हूं आपके रिस्क को. ये जो आपका पालकी है इसको कैरी कर रहा है मेरा बॉडी, और मैं अपने आप को ये बॉडी नहीं समझता. ऐसा किसने बोला? जड़ बोला. और सुनिए, यू एक्यूज मी ऑफ नॉट बीइंग वेरी स्टाउट एंड स्ट्रॉन्ग. But this merely shows your ignorance of the spirit soul. कह रहे आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत strong नहीं हूं, but आप ignorant है किस बारे में? आपको bodily कोई बाहर से ज्यादा strong दिख जाएगा, कोई कम strong दिख जाएगा, पर अंदर से सब क्या है? आत्मा है. जो आत्मा जो है वो बाल का 10,000वां हिस्सा है, उतना ही साइज है आत्मा का. The body may be fat or thin or weak or strong, but no learned man would say such things about the self within. As far as my soul is concerned, it is neither fat nor skinny. ये भागवतम के वर्ड्स है कि जहां तक मेरी आत्मा का सवाल है और तुम्हारी आत्मा का सवाल है, ना तो ये मोटी है ना ये पतली है, सबका स्टैंडर्ड साइज है, identical in all aspects. जड़ भरत then began to instruct the king saying, you think you are the lord and master and you are therefore trying to command me, but this is also incorrect because these positions are temporary. Jo mera position aur jo tumhara position hai wo temporary hai. Today you are a king and I am your servant, but in our next lives our positions may be reversed. You may be my servant and I may become your master. Aisa kaun bol rahe hai? Who is a master? Who is a servant? Everyone is forced to act by the laws of material nature. कोई राजा नहीं है, कोई रंक नहीं है, सब pre-decided है जो आपकी life में हो रहा है. किसके according? Laws of material nature. Therefore, no one is master, no one is servant. The Vedas explain, Rigved की बात बता रहा हूं, ये सब जड़ भरत की statements हैं. The Vedas explain that the human beings in the material world are like actors on the stage. हम सब क्या है? Actors के समान है, कलाकार के समान, performing under the direction of some superior. बस हम क्या है? एक director के under क्या कर रहे हैं? अपनी acting कर रहे हैं. और जिस दिन lights off होंगे, उस दिन ये acting खत्म, नई acting शुरू, अगला show शुरू कर देंगे. जोकरों की तरह लगे रहेंगे. और इतना कुछ जब उसने खड़ी खोटी सुन ली, किसने? रघुनाथ ने. उसने इमीडिएटली जड़ भरत को बोला, अरे ये तो मूर्ख नहीं है, ये तो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है. और उसने जड़ भरत को क्या बना लिया? अपना गुरु बना लिया. अरे वो यहीं से हम समझते हैं गुरु किसको बनाना चाहिए. गुरु वो थोड़ी है जिसके पास जाओ हाँ थोड़ा पैसा आ जाएगा, थोड़ा एंजॉयमेंट आ जाएगी. गुरु वो थोड़ी है हा? जो आपकी प्रॉब्लम्स को खत्म कर दे, कम कर दे. गुरु तो वो है जो आपको प्रॉब्लम्स से लड़ना सिखाए. प्रॉब्लम्स तो आएंगी, गुरु उसको कहा जाता है कि नहीं? सो जड़ भरत को रघुवणा महाराज ने क्या एक्सेप्ट कर लिया? हाँ गुरु. और ऐसा व्यक्ति जो कि जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा दिलवा पाए, ऐसे ही व्यक्ति को हमें गुरु बनाना चाहिए, वरना कोई एलिजिबल नहीं है गुरु बनने. वरना रीइंकार्नेशन होते रहेंगे, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम. ठीक है, कोई प्रश्न है किसी के? एनी क्वेश्चंस, एनी कमेंट्स, एनी क्लैरिफिकेशंस? यस जी, जैसे वो आपने वो मुस्लिम का बताया, इस्लाम ये मानता है रीइंकार्नेशन होता है, लेकिन असली में इस्लाम मतलब सुनने को तो यही आता है कि इस्लाम रीइंकार्नेशन में बिलीव नहीं करता. कुरान में तो लिखा हुआ है, वो तो आजकल के पागल हैं. वो ऐसा बोलते हैं कि क्यामत, क्यामत का दिन आएगा, मतलब उनके हिसाब से. हाँ तो बुरा करोगे तो दोजख की आग में जलाए जाओगे, और फिर जला कर फिर वापस यहाँ भेज देंगे जले हुए को. रीइंकार्नेशन तो एक्सेप्ट करता है इस्लाम.
मतलब वो ये कहते हैं कि एक बार जो मर गया वो मर गया, जब क़यामत का दिन आएगा सारे मुर्दे जिंदा होंगे तो उनके हिसाब से उन्हें सजा। मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना, मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना, मतलब मैं तो कुरान को कोट कर रहा हूँ, पढ़ के आया था कुछ कुछ आयतें उसके, तो उसमें तो यही था कि बुरा करोगे तो दोजख की आग में एक बार जलाए जाओगे, वहां भेजोगे, फिर वापस मटेरियल वर्ल्ड में आके जन्म लोगे, रीइंकार्नेशन होगा। इस्लाम तो एक्सेप्ट करता है इस चीज को। जी जैसे कोई अगर रिप्रोडक्शन के बाद बॉम में जब वो बॉडी आ जाती है तो सोल कब आती है? सोल शुरू से होती है। प्रभुपाद सेज सोल टेक्स द शेल्टर इन द मेल स्पर्म, इन द मेल स्पर्म द सोल टेक्स द शेल्टर एंड विद द सेक्स लाइफ द मेल द सोल दैट हैज टेकन शेल्टर इन द मेल स्पर्म इज इंजेक्टेड इन द फीमेल बॉडी and the soul is implanted immediately at the time of conceiving. Soul is there, soul takes shelter. ये भटकती भी आत्माएं होती हैं, ये कहाँ shelter लेती हैं? Male sperm. तभी तो masturbation को demotivate किया जाता है. Understand? Any other question? Yes. जैसे मेरा question था कि भरत महाराज जैसे personality मतलब वो भी attract हो जाते हैं। तो हमें समझना चाहिए कि माया बहुत स्ट्रॉन्ग है। भरत महाराज जैसी पर्सनालिटी भी अट्रैक्ट हो गई और 3 lifetimes वेट करना पड़ गया। हम तो कुछ भी नहीं है, इसीलिए साधना भक्ति को इंपॉर्टेंस दिया गया। डेली रीडिंग, डेली हियरिंग, डेली चैंटिंग एंड एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज बचाव मिलेगा। क्यों भरत महाराज का इस तरीके से क्यों गया? ऑल्दो बहुत एग्जॉल्टेड किंग थे बट एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज ही नहीं था आसपास। जैसे डियर था और एक वो थे, भक्तों का संग था नहीं था। दिस इज द रीजन, डाउनफॉल होने का रीजन ही है ये जब आसपास भक्त ना हो। एक बार प्रभुपाद जी के पास एक फॉरेनर सन्यासी आए प्रभुपाद जी के, दे वांटेड, उन्होंने कहा प्रभुपाद आई वॉन्ट टू गो टू हिमालयस and I want to chant, I don't want to preach, I don't want to stay with devotees, I want to go to Himalayas and chant. Prabhupada said you will fall down, tum sanyas ashram mein nahi reh paoge, tum materialist ban jaoge, mat karo, nahi mana hoga. Jab nahi mana Prabhupada ji ne kaha okay go try, chale gaye Himalayas pe, kya banne ke liye? Baba banne ke liye, aur chanting karte the. पर अंत में क्या हुआ, थोड़े समय के बाद देखा गया कि उन्होंने संन्यास आश्रम का त्याग करके अब वो नॉन डिवोटी बन गए और उन्होंने शादी भी कर ली, इलिसिट रिलेशंस भी कर लिए, बहुत कुछ कर लिया। तो डाउनफॉल हो जाएगा, डाउनफॉल से बचने का एक ही तरीका है, भक्तों का बहुत रेगुलर संग करना चाहिए। Okay. Any other question? Yes. किससे बना हुआ ये वाला बॉडी? अर्थ, फायर, वाटर, एयर, ईथर, 5 चीजों से ये बॉडी बना हुआ। तो जब पंचभूत का है, पंचभूत का जो ये शरीर है एक वस्त्र के समान है, एक्सटर्नल, जैसे आप कपड़े बदलते हैं वैसे सोल इस बॉडी को बदल लेती है। और फिर सूक्ष्म शरीर जो आपने मन, बुद्धि और अहंकार, ये एक एयर होता है किसके आसपास? सोल के आसपास। तो जब सोल ये बॉडी लीव करती है, अगली बॉडी जो मन, बुद्धि, अहंकार का एयर होता है आसपास, उसके हिसाब से डिसाइड होता है वो नेक्स्ट बॉडी में कैरी ऑन। ये बॉडी नेक्स्ट बॉडी में कैरी ऑन नहीं होती, ग्रॉस बॉडी, बट सटल बॉडी कैरी ऑन होती है नेक्स्ट बॉडी। तभी तो जो जस्ट 2 ट्विन्स पैदा हुए, एक बिल्कुल खुराफाती होता है, एकदम सीधा होता है। ऐसा क्यों होता? देखा ट्विन्स कितनों ने देखे, एक एकदम शांत होगा, एक खुराफाती होगा, दोनों तो एक ही मदर के गर्भ में रहे, एक जैसे कपड़े पहने, एक जैसी शक्लें, सब कुछ तो एक जैसा। दोनों की जो सटल बॉडीज है अपने आप में प्रूफ है, दोनों का जो मन, बुद्धि, अहंकार है पिछली लाइफ में से वो डिफरेंट। ग्रॉस बॉडी सेम है, सटल बॉडी डिफरेंट है, इसलिए वो अलग अलग तरीके से बिहेव करता है।
कारण शरीर का मतलब क्या होता है? कारण शरीर, कारण शरीर तीन बोलते हैं कि इसमें कारण, कारण शरीर भी होता है। तो दो ही सुना, स्थूल तुमने क्या सुना? स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर में तो दो ही सुना। पता नहीं कारण शरीर भी कहते हैं कि बॉडी के अंदर। भगवद्गीता नहीं मतलब सुना है मैंने, सुना सुना। स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर दो ही सुना, तीसरी आत्मा। आत्मा को अगर कारण शरीर कह रहे तो मुझे पता नहीं। एक्चुअली एक दूसरी कमेंट्री है गीता की, मैं नहीं सुनूंगा। और कोई क्वेश्चन है? जैसे जो मेरा अभी किस बॉडी का बिहेवियर है, वो जो मेरी सोल पिछली बॉडी में होगी उस बॉडी का बिहेवियर भी ऐसा ही होगा। तो सोल का ओरिजिन क्या है और सोल का कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर कहाँ से आता है? सोल इज सच्चिदानंद, ये सोल का कैरेक्टरिस्टिक है। सत चित आनंद, सत का क्या मतलब? इटर्नल। इसका कभी जन्म नहीं हुआ, कभी मृत्यु नहीं होगी। चित का क्या मतलब है? नॉलेज, पूरा ज्ञान है सोल को अपने में। पर अभी वो जो ज्ञान है वो ढका हुआ है। किससे ढका हुआ? मन बुद्धि और अहंकार से, सटल बॉडी से। और उसके ऊपर ये ग्रॉस बॉडी भी उस सोल को कवर करके बैठी है। समझ पाए? तो सोल कैसा है? सत। सत मतलब जिसका कभी जन्म नहीं हुआ, कभी मृत्यु नहीं। चित, चित का मतलब पूरा ज्ञान है सोल को। और तीसरा आनंद, पूरा आनंद में है। पर अभी वो आनंद को एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहा, क्योंकि अभी क्या है, एक एक बर्ड है। जैसे एक बर्ड अगर केज में होगा तो क्या वो आनंद को एक्सपीरियंस कर पाएगा? उसका नेचर तो आनंद में रहना है, पर जब तक वो आकाश में उड़ेगा नहीं तब तक कैसे आनंद को एक्सपीरियंस करेगा? तो अभी सोल को इट्स कोवेटेड, इट्स कवर्ड विद क्रॉस बॉडी एंड सटल बॉडी, टू बॉडीज, देयरफॉर इट्स सफरिंग। यू अंडरस्टैंड? तो सोल का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो सच्चिदानंद है। यस, जो कारण शील है वो हार्ड। प्रभु, आई डोंट वांट टू डिस्कस समथिंग आउट ऑफ प्रभुपाद भगवद गीता, प्लीज डोंट फोर्स मी टू डू दैट। I don't want to discuss something out of Prabhupada Bhagavad Gita. I'm very, you know, adamant about it. Or kuch kiska question? Koi prashna kiska? Yes. Prabhu ji, jaise bhakti ke andar kya hota hai ki starting mein to sab naya naya lagta hai. Kai baar kya hota hai, naye ke attract ho jate hain, इसलिए चलते रहते हैं। लेकिन बड़ी थोड़ी देर बाद फैमिलियर हो जाते हैं हर चीज को लेके, डिवोटीज को लेके फैमिलियर हो। जो लोग साधना ढंग से नहीं करते हैं, जो लोग डेली रीडिंग नहीं करते हैं, डेली अपने आप को भागवतम का फीड नहीं देते हैं, डेली भगवत गीता नहीं पढ़ते हैं, डेली वंस प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद वाज रीडिंग द भगवत गीता ही हिमसेल्फ हैड रिटन, सो वन डिवोटी आस्क्ड दैट आपने ही तो लिखा है, आप क्यों पढ़ रहे हो? प्रभुपाद ने बोला मैंने लिखा तो है पर वर्ड्स तो मेरे नहीं है। वर्ड्स किसके हैं? भगवान के। और यही मुझे मोटिवेटेड रखता है प्रचार करने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए। ठीक है? तो जो व्यक्ति साधना भक्ति ढंग से नहीं करेगा, डेली रीडिंग, डेली हियरिंग, डेली चैंटिंग, जो ये तीन चीजें रोज नहीं करेगा, वो धीरे धीरे भक्ति को बहुत लाइटली लेना शुरू कर देगा। और जो व्यक्ति रोज रीडिंग, हियरिंग, चैंटिंग करेगा सिंसियरिटी के साथ, उसको एवरी डे विल बी फुल ऑफ मोटिवेशन। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप रोज भागवतम भगवत गीता रीड कर रहे हो फिर भी आपका मन नहीं कर रहा भक्ति करने का, आप फैमिलियर हो उसके साथ, ऐसा इम्पॉसिबल है। अगर आप रोज भगवत गीता भागवतम पढ़ोगे आप हमेशा इलेटेड रहोगे, एंथुजियास्टिक रहोगे भगवान को समझने के लिए। ओके, नो अदर क्वेश्चन, वी क्लोज। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जगत गुरु श्री प्रभुपाद की। सो वी विल डू कीर्तन फॉर 5 मिनट्स।